भजनलाल शर्मा आज झारखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय को राजस्थान से जोड़ने के अभियान के तहत रांची में राइजिंग राजस्थान प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये बैठक 9 से 11 दिसंबर को होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मद्देनजर हुई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय के नेताओं और व्यापारिक जगत के लोगों से मुलाकात की है और उन्हें राजस्थान में कारोबार करने और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारवाड़ी और आदिवासी राजस्थानी समुदाय के सदस्य आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रवासी राजस्थानी समुदाय के व्यावसायिक कौशल और कारोबारी क्षमताओं का दुनिया भर में सम्मान किया जाता है। साथ ही आग्रह करते हैं कि वो अपने मूल राज्य राजस्थान के साथ फिर से जुड़े और प्रदेश की समृद्ध और आर्थिक पुनरुत्थान की यात्रा का हिस्सा बने। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, और सबसे ज्यादा अगर सूर्य भगवान की कृपा है तो वो भी राजस्थान में है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो राजस्थान में पर्यटन सबसे अच्छा है। किसी भी प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में इतनी संभावना नहीं है जितनी राजस्थान में है। आप हमारे राजस्थान की हवेलियां देखेंगे, आपको पता है, आप वहां के हमारे किले हैं अलग ही हैं, हमारा रेगिस्तान वो अलग है, हमारी माताएं, हमने अभी 300 करोड़ रुपए हमने मंदिरों के लिए किया है। हमने पिछले समय हमारी सरकार ने पैरोनामा भी बनवाए थे और अभी 300 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए किया है, और पहला मॉडल खाटू बाबा का बनेगा, उसके लिए 100 करोड़ रुपए, उसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए अलग किए हैं।